हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं समुद्र सिंह आपका अपने ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप पहली बार हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपको रीजनिंग के बारे में बताऊँगा, रीजनिंग करवाऊँगा और जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं वो मैं सब आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मेरा जो टारगेट रहेगा वो पटवार व राजस्थान पुलिस के अंदर आने वाले जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं उनके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, तो उनको मैं अच्छी तरह से समझाऊँगा। उसके बाद मैं आपको अन्य भी टॉपिक करवा दूँगा, लेकिन सबसे अपना पहला टारगेट है वो राजस्थान पुलिस व पटवार के अंदर जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं वो मैं आपको करवाऊँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पहला जो टॉपिक ले रहा हूँ वो घन व पासा का ले रहा हूँ, जो हर एग्ज़ाम में है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वो देखिए, वो शुरू करेंगे हम। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो घन व पासा, घन व पासा यानी क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस ये है, ये टॉपिक अपना पहला टॉपिक रहेगा। देखिए दोस्तों, हर एग्ज़ाम में इसी समझ क्वेश्चन आता है और जितने भी इसके टाइप हैं वो सारे टाइप में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि घन क्या होता है और पासा क्या होता है। ये देखिए, घन व पासा के बारे में पहले आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूं कि क्या घन होता है और क्या पासा होता है। देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारा घन है और दूसरी तरफ हमारा पासा है। दोस्तों पहले ये घन का डायग्राम बना रहे हैं, ये घन का डायग्राम बना रहे हैं। देखो दोस्तों, इस साइड में पासा का डायग्राम देखो, हालांकि कुछ लोग तो इसको सेम ही समझते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोस्तों, वो आपको समझना है आज, वो आपको क्लियर करना है कि किस तरह से ये थोड़ा सा अलग होता है। देखिए दोस्तों, घन है ये, इसमें वैसे फलक तो अच्छा ही भी होते हैं, दोनों में फलक तो अच्छा ही होंगे, लेकिन अंतर क्या होता है वो देखिए। अंतर ये होता है देखो कि इसके जो सभी फलक है ना, एक नंबर बात आपको ये ध्यान में रखनी है, घन वही होगा जिसके सभी फलक क्या होंगे, सभी फलक वर्गाकार होंगे, सभी फलक वर्गाकार होंगे, सभी फलक वर्गाकार होते हैं इसके। और दूसरी बात इसमें ये है कि फलकों पर अंक अंकित नहीं होते, अंक अंकित नहीं होते हैं, अंक अंकित नहीं होते, अंक अंकित नहीं होते हैं। दोस्तों ये जो फलक हैं ये सभी के सभी इसमें कैसे होंगे, वर्गाकार होंगे। वर्ग के बारे में आप जानते हैं, यानी चारों भुजा बराबर होती है वर्ग की, तो इसमें जितने भी फलक हैं वो छः के छः फलक हैं वो सारे वर्गाकार होंगे। और प्रत्येक फलक पर जैसे पासा के अंदर अंक अंकित होते हैं या बिंदु अंकित होते हैं या चिन्ह अंकित होते हैं, वो इसमें नहीं मिलेंगे आपको, इसमें सिर्फ सीधा ऐसे मिलेंगे। अब देखना इसके बारे में बताऊँ मैं, इसका पासा है, पासा में देखो या तो सभी फलक वर्गाकार होंगे या फिर वर्ग व आयतों से मिलकर के बनेगा, सभी फलक वर्गाकार या वर्गों व आयतों से, वर्गों व आयतों से मिलकर बना होता है। देखो
ये पहला वाला पस है, इसमें देखो ये सारे के सारे फलक वर्गाकार हैं, सारे के सारे फलक वर्गाकार हैं, छह फलक है, छह के छह वर्गाकार हैं। लेकिन इस वाले में देखिए ये फलक है वो आयत के आकार का है। आयत का मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर, और प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये आयत के बारे में आप जानते हैं। लेकिन इस साइड वाला ये फलक है ना, ये फलक वर्ग के आकार का है, ये आयताकार है, इस दृश्य से छुपा हुआ वो भी वर्गाकार है, इसके नीचे का फलक है वो आयताकार है। इस टाइप से ये भी पासा है और ये भी पासा है। और दूसरी बात इसमें ये रहेगी, पासे के अंदर, पासे के प्रत्येक फलक पर, पासे के प्रत्येक फलक पर, प्रत्येक फलक पर अंक या फिर चिन्ह, कोई चिन्ह भी दे सकता है, अंक चिन्ह या बिंदु, अंक चिन्ह या बिंदु अंकित होते हैं, अंक चिन्ह बिंदु अंकित होते हैं। दोस्तों देखो जैसे इसमें यहाँ पे कोई चिन्ह दे दिया, ये हैच दे दिया, ये इस टाइप से स्टार दे दिया, यहाँ कोई ये चिन्ह दे दिया रुपए वाला, इस टाइप के कोई चिन्ह मिल सकते हैं, या फिर ऐसे बिंदु भी मिल सकते हैं। देखो ये एक बिंदु, फिर ये दो, यहाँ पे दो बिंदु, ऐसे बिंदु दे दिया, यहाँ तीन दे दिया, इधर छुपा हुआ यहाँ चार दे दिया, इस टाइप से कोई बिंदु भी मिल सकते हैं। या फिर ऐसे भी देखो, ऐसे भी दे सकता है, ये एक नंबर दो, ऐसे अंक भी दे सकता है। तो दोस्तों आज आपको ये अच्छी तरह से समझ रहा है कि पासा व घन अलग अलग क्यों है। तो अलग अलग इसीलिए है क्योंकि पासा है, पासा में अंक या चिन्ह अंकित होते हैं और घन में अंक व चिन्ह अंकित नहीं होते। इसके सभी फलक वर्गाकार होते हैं, लेकिन इसके फलक वर्गाकार हों या आयताकार हों ये कोई जरूरी नहीं है, वर्गाकार भी हो सकते हैं या वर्ग व आयत दोनों से मिलकर के बन सकता है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे हमें आज हमारा जो मेन जो है स्टार्ट करवा रहे हैं, पासा के बारे में करवाऊँगा मैं क्वेश्चन आज, यानी पासा के बारे में आपको समझाएंगे। पासा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखो दोस्तों पासा ले रहे हैं, पासा ये डायग्राम और बना के बता दूं मैं आपको, पासा देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें फलक कितने होते हैं। फलक, फलक ये देखो, ये आपको पता है फलक, ये ऊपर वाला, फिर इसके नीचे, फिर चारों साइड वाले, तो इस प्रकार के फलक कितने होंगे, छः होंगे। कितने फलक होंगे, छः फलक। किनारे कितने होंगे दोस्तों, किनारे, किनारे कितने होंगे, किनारे ये किनारे होते हैं, देखो ये किनारे हैं, तो चार ऊपर वाले, फिर चार नीचे वाले और चारों साइड वाले, इस टाइप से ये सारे मिलके 12 होंगे। किनारे कितने होंगे, 12। उसके बाद ये जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष यानी कोने, कोने कितने होंगे, कोने ये वाले कोने, देखो ये बिंदु रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये कोने हैं, ये कोने कितने होंगे दोस्तों, पासा के अंदर कोने 8 होंगे। कितने होंगे, 8। अब देखना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी, इस पासा के अंदर आप अगर एक कोने से देखेंगे तो आपको तीन फलक दिखाई देंगे, अगर आप किसी एक कोने से देखेंगे तो आपको तीन फलक दिखाई देंगे, यानी तीन अंक दिखाई देंगे, एक कोने से, एक कोने से देखने पर, एक कोने से देखने पर, एक कोने से देखने पर तीन फलक दिखाई देंगे, एक कोने से देखने पर कितने फलक दिखाएंगे, तीन फलक दिखाई देंगे। दूसरी बात, एक बात यह है इंपॉर्टेंट, जो सामने से हम एक कोने से देख रहे हैं वो तीनों फलक दिखाई दे रहे हैं तो उन पे तीन अंक अंकित होंगे, तो उसके विपरीत वाले अंक है ना वो कभी सामने नहीं दिखा देंगे, यानी विपरीत फलकों वाले अंक कभी सामने यानी एक साथ नहीं दिखा देंगे,
विपरीत फलकों के अंक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, एक साथ दिखाई नहीं देंगे। एक साथ दिखाई नहीं देंगे दोस्तों, जैसे यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ ये तीन फलक हैं, तो जैसे इस पे अंक रख रहा हूँ मैं, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर। अब देखना आपको सामने से एक कोने से, इस कोने से देख रहे ना, इस कोने से देख रहे तो हमें तीन अंक दिखाई दे रहे हैं, तीन अंक दिखाई दे रहे हैं। एक तो एक के जो विपरीत होगा वो हमें सामने से दिखाई नहीं देगा, दो है, दो के जो विपरीत होगा वो सामने से दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि दो के साथ में ये अगर हमें एक और तीन साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो के विपरीत ये एक व तीन कभी नहीं होंगे, दो के विपरीत एक व तीन कभी नहीं होंगे। इसी प्रकार देखना, दो है ना, ये तीन है, तो तीन के विपरीत ये एक व दो कभी नहीं होंगे। इसी प्रकार एक है, एक के विपरीत कभी भी तीन व दो नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा पास्सा है, इसका नॉलेज है कर रखना है। उसके बाद में इस पास्से के भी प्रकार होते हैं दोस्तों, वो प्रकार भी मैं आपको आज समझा रहा हूँ। दोस्तों पास्सा दो प्रकार का होता है, वैसे पास्सा वैसे दो प्रकार का हुआ, देखो पास्सा है वो कितने, दो प्रकार का। एक तो दोस्तों नॉर्मल डाइस यानी साधारण पासा, साधारण पासा, साधारण पासा का मतलब है नॉर्मल डाइस, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ये इंग्लिश की में से बोलते हैं इसको, सामान्य पासा भी बोल सकते हैं। देखो और दूसरा है अपना मानक पासा, मानक पासा, मानक पासा क्या होता है वो आपको आगे मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन फिर भी नॉर्मल रूप से आपको ये ध्यान में रखना है कि मानक पासा है उसके में जो विपरीत फलक है उनके अंकों का योगफल है सात होता है। विपरीत फलकों के अंकों का योगफल कितना होता है, सात। और कभी भी सामने से दिखाई देने वाले जो फलक है उनका योगफल अगर आपको सात मिल गया तो वो कभी भी मानक पासा नहीं होगा। अब देखना आगे में थोड़ा सा साधारण पासे के बारे में और बता रहा हूँ। साधारण पासा भी दो प्रकार का हो गया है, वो भी किस टाइप का, देखो एक तो होता है बंद पासा यानी इंग्लिश में क्लोज्ड डाइस, और दूसरा होता है अपना खुला पासा का मतलब ओपन डाइस। अब देखिए दोस्तों बंद पासा तो आपको पता है कि एकदम से बंद होगा और उसको एक कोने से देखने पर तीन फलक दिखाई देंगे, और खुला पासा जो जितने प्रकार से किसी पासे को हम खोल सकते हैं, वो खोलने का तरीका मैं बताऊंगा कितने प्रकार से हम खोल सकते हैं, किस तरह से खोलेंगे वो आगे आपको डिटेल से मैं करवा दूंगा। और अब हम जो अपना आज है साधारण पासा है उससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, साधारण पासा है उससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको किस टाइप से होंगे, कितने टाइप हैं वो टाइप की मैं करवाऊँगा आपको, नियम के अनुसार करवाऊँगा। लेकिन यहाँ मानक पासे के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हैं आप नॉर्मल रूप से, कि पहली बात ये है इसमें कि विपरीत फलकों का योगफल कितना होता है, विपरीत फलकों के अंकों का योगफल सात होगा। अंकों का योगफल कितना होगा,
सात होगा। दूसरी बात यह है, अगर किसी पास्य में, अगर किसी पास्य में, किसी पास्य में एक साथ दिखाई देने वाले, एक साथ दिखाई देने वाले अंकों का योग अगर सात है, तो वह मानक पासा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मानक पासा नहीं होगा। दोस्तों देखो, ये डायगोनल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ, अपने पास एक तो ये पासा है, और एक अपने पास ये पासा है। अब देखिए, आपको बताना है कि कौन सा तो मानक पासा होगा, कौन सा मानक पासा नहीं है। इसमें अंक रखा हूं मैं, एक, दो, ये तीन, और इस पे अंक रख रहा हूं मैं चार, तीन और पांच। अब देखिए, हमें देखना है कि कौन सा तो मानक पासा है और कौन सा मानक पासा नहीं है। तो मानक पासा देखो, पहले हम ये कर रहे हैं, इसके अंक जोड़ रहे हैं, दो 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 अंकों का योगफल है ना, वो सात है, तो वो मानक पासा नहीं होगा। देखो, एक प्लस दो, तो ये मिलकर के तीन हो रही है, तो इसका मतलब है सात के बराबर नहीं है। इसी प्रकार दो प्लस तीन, यानी दोनों को जोड़ें तो ये पाँच हो रहे हैं, तो ये भी मानक पास नहीं, या सात के बराबर नहीं है। इसी प्रकार देखना, एक प्लस में तीन, इनका योगफल भी सात के बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें सामने से दिखाई देने वाले जो अंक है उनका योगफल, किन्हीं दो अंकों का योगफल अगर सात हो रहा है तो वो मानक पासा नहीं होगा, और अगर सात नहीं हो रहा तो वो मानक पासा होगा। तो देखना, यहाँ देखो, सामने से दिखाई देने वाले तीनों अंकों में दो दो को जोड़ करके हमने देख लिया, तो ये सात नहीं हो रहा किसी का भी, तो ये हमारा क्या होगा? मानक पासा होगा। ये हमारा मानक पासा है। यहाँ देखिए, इसके अंदर जैसे हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तीन प्लस में चार, ये सात के बराबर हो गया। फिर देखना, आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी जोड़ कर देख लो, जैसे चार प्लस में पाँच, तो ये तो सात के बराबर नहीं है। और फिर देखना, तीन प्लस में पाँच, ये भी सात के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, इन दोनों अंकों का योगफल सात के बराबर हो गया, तो ये हमारा मानक पासा नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये मानक पासा है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और जब भी एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन में अगर पासे की एक स्थिति दे दी जाए, तो आपको लगभग उस क्वेश्चन में मानक पासा ध्यान में रखना है, यानी मानक पासा से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। वो आगे मैं आपको मानक पासा से संबंधित क्वेश्चन करवाऊँगा, उसमें आपको मैं डिटेल से बता दूँगा। अब देखिए, हम साधारण पासा ले रहे हैं, यानी टाइपफेस्ट लिखोगे आप, और टाइपफेस्ट में हम साधारण पासा करवाएंगे। टाइप एक, और टाइप एक हमारे साधारण पासा से संबंधित है, साधारण पासा। तो देखो, जब प्रश्न के अंदर और पासे की दो स्थितियां दी गई हों, जब प्रश्न के अंदर पासे की कितनी स्थितियां, दो स्थितियां दी गई हों, तो हमें उस, हमें कोई विपरीत फलक पूछ लिया जाए, तो हमें तीन नियमों के आधार पर इस क्वेश्चन को हल करना है। वो तीन नियम मैं आपको करवा दूंगा। देखो, प्रश्न में पासे की दो स्थितियां दी गई हों, कितनी स्थितियां, दो स्थितियां पासे की दो स्थितियां दी गई हों, तो
विपरीत फलक के अंक ज्ञात करने के लिए हम तीन नियमों का प्रयोग करेंगे। देखो, निम्न तीन नियमों का प्रयोग करेंगे और वो तीन नियम कौन से होंगे वो मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको। सबसे पहला नियम अपना रहेगा, ये देखिए नियम नंबर एक, ये नियम एक है। और वो नियम किस तरह का होगा वो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर पाशे की दो स्थितियां दी गई हों और दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान हो और वह अंक समान स्तर पर अंकित हो, तो हमें जो दूसरे जो अंक है वो किसके क्या विपरीत होगा वो देखिए। देखो पहला नियम है प्रश्न में, प्रश्न में एक पाशे की दो स्थितियां दी गई हैं। कितनी स्थितियां? दो स्थितियां दी गई हैं। या दो स्थितियों में पाशे, प्रश्न में एक पाशे की दो स्थितियों में कोई एक अंक, कोई एक अंक समान हो और वह समान अंक, समान स्तर पर अंकित हो, तो दूसरे अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, कैसे दोस्तों? देखिए यहाँ मैं एक डायग्राम से आपको बता रहा हूँ। ये नियम इस डायग्राम से समझना है आपको। जैसे एक पाशा है, उसकी प्रथम स्थिति ये है, और दूसरी स्थिति ये है। अब देखिए प्रथम स्थिति के अंदर मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये अंक हैं 1, 3 और 5, और इस दूसरी स्थिति में ये एक अंक कॉमन दे रहा, देखो 3, 4 और 6। अब देख लो इसमें किस तरह से आपको देखना है, यानी ये अंक है वो कॉमन है लेकिन समान स्तर है, मतलब इसकी ऊपर वाली स्तर है तो इसकी भी ऊपर वाली स्तर है, इस पे 3 है तो इस पे भी 3 है। तो कहने का मतलब ये जो पहला अंक है जो समान है वो दोनों में समान स्तर है, परंकित है। तो फिर ये जो अंक है ना ये इसके विपरीत होगा और ये जो अंक है वो इसके विपरीत होगा। कहने का मतलब है ये जो नीचे आया है फलक तो ये इसके विपरीत होगा और ये जो इस साइड वाला जो फलक है वो इसके विपरीत होगा। तो देखो तीन मैं कह रहा हूँ, 1 के विपरीत क्या होगा 4 और 5 के विपरीत क्या होगा 6, फिर बच गया कौन? 3। तो 3 के विपरीत फिर कौन होगा? देखिए अपने को ये तो पता ही है कि पाशे पर 1 से 6 तक के अंकित होते हैं। तो यहाँ देखो 1 आ गया 4 आ गया 5 आ गया 6 आ गया, तो बच गया कौन? 2 बच गया। तो इस 3 के विपरीत कौन हो जाएगा? फिर 2 हो जाएगा। ये देखिए इसी प्रकार देखना, एक और मैं बता रहा हूँ, एक और उदाहरण इसके से संबंधित मैं बता रहा हूँ आपको।
एक पास से किस्ता ये है, ये स्थिति, और दूसरी स्थिति ये है देखिए इसके अंदर है, यहाँ अंक दे रहे हैं 4, 3 और ये 5, यहाँ का दे रहे हैं 4, 2 और ये 6। अब देखिए वही नियम है, अपने नियम में क्या कर रहा है कि प्रश्न में एक पासे की दो स्थितियों में कोई एक अंक समान हो, तो देखना यहाँ ये अंक समान है और वह समान अंक समान स्तर पर अंकित हो, तो देखना इसके नीचे वाले स्तर पर 4 है तो इसके भी नीचे वाले स्तर पर 4 है, तो दूसरे अंक आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो दूसरे कौन से देखो, ये ऊपर वाला है तो इस ऊपर वाले के विपरीत होगा और ये इस साइड वाला है तो वो इसके विपरीत होगा। कहने का मतलब 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 2, फिर बच गया कौन 4, ये जो कॉमन है दोनों में उसके विपरीत फिर क्या होगा, तो वो दोस्तों आपको ऐसे देखना है कि हमारे पास पासे पर 1 से 6 तक के अंक अंकित होते हैं, तो उसमें देखिए 3 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, तो बच गया कौन 1, तो इस 4 के विपरीत कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला नियम आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हैं आप कॉमेंट करके। अब चलते हैं हम दूसरे नियम पे, हमारा दूसरा नियम क्या रहेगा वो देखिए, नियम 2 यानी सेकंड दूसरा नियम क्या है कि प्रश्न में एक पासे की दो स्थितियां दी गई हों, एक पासे की दो स्थितियों में कोई एक अंक समान हो तथा वह समान अंक समान स्तर पर न हो, समान अंक समान स्तर पर न हो तो हम क्लॉकवाइज नियम यानी घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा के नियम का प्रयोग करेंगे, तो हम घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा के नियम का प्रयोग करेंगे। दोस्तों ये नियम आपको समझाऊं मैं उदाहरण से, जैसे अपने पास प्रश्न ये आ गया कि एक पासे की प्रथम स्थिति ये है, और दूसरी ये स्थिति है, पासे की दूसरी स्थिति ये है। अब देखिए इसमें अंक दे दिया 1, 5 और 4, इसमें अंक दे दिया 1, 3 और 6। अब देखिए दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको ये बताना है कि एक के विपरीत क्या होगा, ये अपना प्रश्न है।
तो देखो हम करें, और कौन सा नियम? क्लॉकवाइज नियम, यानी घड़ी की दिशा वाला नियम। देखो आप कहाँ से, पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, यानी सम अंक क्या है, समान अंक कौन सा है। तो ये देखना, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, एक अंक दोनों में समान है, तो हम उस अंक से स्टार्ट करके और घड़ी की दिशा का नियम का प्रयोग करेंगे। देखो ये नियम इस तरह से घूमना है, जैसे हमारा फर्स्ट पास है और इस पास से की यानी प्रथम स्थिति है, इस स्थिति में देखो पहले क्या आया, एक, एक के बाद कौन आया, एक के बाद कौन आया, पाँच, और पाँच के बाद कौन आया, चार। तो इस टाइप से ये एक पाँच चार, फिर देखना दूसरे में आए, उसी प्रकार जो कॉमन है जो समान अंक है उसी अंक से स्टार्ट करेंगे और इस घड़ी की दिशा के नियम का प्रयोग करेंगे। तो पहले दूसरे में पहले क्या है, एक, और एक के बाद कौन है, एक के बाद कौन है, छः, तो ये छः, और फिर छः के बाद कौन है, तीन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस चार के विपरीत तो कौन होगा, तीन, पाँच के विपरीत कौन होगा, छः, और इस एक के विपरीत क्या होगा वो हमारा क्वेश्चन है। तो एक के विपरीत क्या होगा वो जानने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि पाँचे पर एक से छः तक के अंक अंकित होते हैं। तो देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, तो फिर एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा दोस्तों, एक के विपरीत होगा अपना चार आ गया, तो तीन, छः और पाँच, तो फिर बच गया कौन, दो, तो एक के विपरीत कौन होगा, दो होगा। इस टाइप से दोस्तों आपको इस प्रश्न को हल करना है। एक और उदाहरण में आपको इसका बता दूं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, एक उदाहरण में आपको और बता रहा हूं इसी नियम से संबंधित। दोस्तों एक प्रश्न ये है, एक पासे की प्रथम स्थिति ये है और दूसरी स्थिति ये है, तो इसमें देखो अंक दे दिया अपने पास, यहाँ चार है, यहाँ तीन है, यहाँ छः है, और यहाँ देखिए यहाँ तीन दे दिया, यहाँ दो दे दिया, यहाँ एक दे दिया। तो आपको पूछ लिया कि दो के विपरीत क्या है, दो के विपरीत क्या है, दो के विपरीत पूछ लिया। तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके, और आपको ये देखना है कि दोनों स्थितियों में कॉमन कितने अंक है, यानी समान कितने अंक है। तो देखना इसमें तीन, चार, छः, और इसमें एक, दो, तीन, तो समान कौन हुआ, तीन हुआ, तो ये अंक इसमें भी समान है और ये अंक इसमें भी समान है। तो देखिए समान तीन है, और फिर देखना ये भी देखना है ये तीन समान अंक है वो समान स्तर पर है क्या, नहीं है, ये तो नीचे की साइड में है और ये ऊपर की साइड में, तो फिर आप कौन से नियम का प्रयोग कर लेंगे, घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा के नियम का प्रयोग करेंगे। देखो पहले इससे घड़ी की दिशा का नियम का प्रयोग करेंगे। देखो ये नियम इस तरह से, यानी घड़ी की सुई इस टाइप से घूमती है, तो पहले तीन, तीन के बाद कौन आएगा, चार, चार के बाद कौन है, छः, इसी प्रकार यहाँ देखिए तीन, तीन के बाद एक और एक के बाद दो, तो दूसरे में भी पहले तीन, तीन, तीन के बाद एक और एक के बाद दो, तो इस टाइप से छः के विपरीत क्या होगा, दो, चार के विपरीत क्या होगा, एक, और इस तीन के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ देखिए बच गया कौन, चार आ गया, एक आ गया, छः आ गया, दो आ गया, तो फिर तीन खुद तीन के विपरीत हो ही नहीं सकता, तो फिर बच गया कौन, पाँच बच गया, तो तीन के विपरीत तो क्या होगा, पाँच हो जाएगा। ये आपको ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, दो के विपरीत क्या होगा, तो दो के विपरीत देखिए दो के विपरीत क्या है, छः, तो अपना इसका उत्तर क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा। तो इस टाइप से ये दूसरा नियम आपको समझना है या यूज करना है इसका। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद ये नियम, दोनों नियम समझ में आ गए हो। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है दोस्तों। आपको मैंने पहला देखो ये बता दिया कि दोनों में, दोनों स्थिति में एक एक अंक यानी समान हो। अब देखो तीसरे नियम के अंदर दो अंक समान हो, अपना जो तीसरा नियम है वो ये है,
कि पर्सन में एक पासे की दो स्थितियों में कोई दो अंक समान हो तो कोई दो अंक समान हो तो विपरीत अंक या शेष अंक, दो अंक समान हो तो कोई विपरीत अंक या शेष अंक जो बचेगा, विपरीत अंक एक दूसरे के सॉरी तो शेष अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसे दोस्तों, ये समझना आपको उदाहरणों से। और समान अंकों का हम अनुमान नहीं लगा सकते, समान अंकों के विपरीत अंकों का पता नहीं कर सकते। वो कैसे दोस्तों, देखिए कैसे दोस्तों, देखिए ये पासे की प्रथम स्थिति है, या देखिए कोई दो अंक समान है तो ये इसमें दो दे दिया, ये चार दे दिया, यहाँ पाँच दे दिया, यहाँ दो दे दिया, यहाँ चार दे दिया, और यहाँ दे दिया जैसे तीन दे दिया। अब देखिए दोस्तों, पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितने अंक समान है, तो ये चार इसमें भी है और इसमें भी है, ये पाँच इसमें सॉरी ये दो इसमें भी है और ये दो इसमें भी है। तो कहने का मतलब ये दो और ये दो अंक दोनों में समान है तो ये कट गए, तो फिर बच गए कौन, पाँच और तीन। तो पाँच के विपरीत तो क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, पाँच के विपरीत तीन हो गए। अब देखना अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि चार के विपरीत क्या होगा या दो के विपरीत क्या होगा, तो आपको ऑप्शनों के आधार पर क्वेश्चन को हल करना है। वो ऑप्शन भी किस टाइप के होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, मान लीजिए आपको इस चार के विपरीत पूछ लिया, चार के विपरीत अंक क्या होगा, चार के विपरीत अंक क्या होगा, तो दोस्तों सही सटीक तो उत्तर हम दे नहीं सकते, फिर भी मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन को हल करने का तरीका बता रहा हूँ कि जैसे आपको ये तो पता ही है कि चार के विपरीत पहले क्या क्या हो सकते हैं, अनुमान के आधार पर हमें ये बता दें कि चार के विपरीत या तो एक दो तीन चार पाँच छः, इनके अलावा तो कुछ होगा ही नहीं, इनमें से ही होगा कोई होगा। तो अब देखना दोस्तों, पहली बात यह है कि चार के विपरीत खुद चार तो होगा नहीं, तो चार को काट दिया। फिर देखना है दोस्तों इस चार के साथ कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, चार के साथ दो है पांच है, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं चार के साथ, तो इस चार के जो विपरीत होगा वो इसके साथ तो दिखाई देगा नहीं, तो फिर दो और पांच इसके विपरीत तो नहीं होंगे, तो दो और पांच को हमने काट दिया। इसी प्रकार यहाँ देखना इस चार के विपरीत, यहाँ देखना ये दो व तीन, तो दो व तीन नहीं होंगे, तो तीन को फिर काटना पड़ेगा, ये तीन इसके विपरीत नहीं हुआ, तो फिर बच गया कौन, चार के विपरीत एक या छः, इन दोनों में से कोई एक होगा। हम सही उत्तर नहीं दे सकते इसका कि चार के विपरीत एक होगा या चार के विपरीत छः होगा। तो दोस्तों इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन भी इस टाइप से ऑप्शन देगा जरूर आपको, और वो क्वेश्चन आपको हल कर रहा है। दोस्तों कल इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल से और बता दूंगा मैं, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आगे के बारे में कल बताऊंगा। थैंक यू।